Welcome to Exam under 75. Guys, Exam under 75 will help you to cover your English grammar for competitive exams like CTAT, updat AMPTAT, TAT and present time requirements like ZAIL, PREHRI and SSC, CGL, CHSL, MTS and other competitive exams. So, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ गाइज टुडेज़ डे अवर न्यू टॉपिक इज मॉडल ऑग्जलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सम मॉडल वर्ब्स सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ अबाउट यूजिंग मॉडल वर्ब्स सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर मॉडल वर्ब्स दैट इज वुड मस्ट शुड एंड ऑट टू सो हाउ टू यूज दीज मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामा सो वी विल डिस्कस हेयर लेट्स डिस्कस ओके गाइज सो यदि हमें वुड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है सबसे पहले हमें जानना जरूरी है वॉट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वुड So, हिंदी मीनिंग क्या होता है वुड का वुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए है ना इसी के साथ साथ जैसा कि हमारे जो आज के अदर टॉपिक है लाइक मस्ट शुड एंड शुड के अलावा क्या है हमारा शुड के अलावा है हमारा ऑट टू है ना तो वुड मस्ट शुड एंड ऑट टू चारों मॉडल वर्ब्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए बट डोंट बी कन्फ्यूज़ विद दिस हिंदी मीनिंग बिकॉज इन सभी मॉडल वर्ब्स के यूज़ करने के जो सिम्टम्स हैं जो कंडीशंस हैं वे बिल्कुल अलग हैं जो कि हमें फॉलो करना ज़रूरी है सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज़ वुड लाइक अ मॉडल वर्ब सो मॉडल वर्ब को यूज़ करने का सबसे पहला सेंटेंस है हमारा दैट वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है सेंटेंस क्या कहते हैं ही शेड दैट ही वुड नॉट अलाउ यू एंटर विदाउट परमिशन है ना अब इस सेंटेंस में हमें कहाँ से पता चलेगा कि मतलब हमें पास्ट फॉर्म के बारे में ये सेंटेंस बता रहा है तो ये देखते हैं एज यू नो अबाउट नरेशंस डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो ये जो सेंटेंस है हमारा नडेशन का कौन सा स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच से बिलोंग करता है सो so, यदि किसी इनडायरेक्ट इस्पीच के रिपोर्ट इस्पीच में मतलब इनडायरेक्ट नडेशन के रिपोर्टेड स्पीच की यदि मेन वर्ब पास्ट फॉर्म को शो करती है तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग व रिपोर्टिंग स्पीच बनाते समय हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे विल की जगह है ना मतलब कि यदि विल के पास्ट फॉर्म की कहीं भी बात होगी तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे जैसे कि हम ऑलरेडी नरेशन में देखते हैं ना जब हम फ्यूचर को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट के लिए तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में करते समय सो so, इसीलिए हम वुड का यूज़ करते हैं क्योंकि जो वुड है वो विल का क्या है पास्ट फॉर्म है इसीलिए विल के पास्ट फॉर्म को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं एज अ मॉडल व्यव सेकेंड सेंटेंस इज अबाउट शी आस्क्ड मी इफ दे वुड गो टू द मूवी दैट नाइट ये सेंटेंस भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इसका जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वो किस में है पास्ट को शो कर रहा है पास्ट को शो कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर मॉडल वब विल की जगह वुड यूज़ की है गई जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में बेसिकली एरर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात करें सो कॉम्पटीसन एग्जाम्स में एरर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सेंटेंस निकल के आते हैं मान लो हमारा ये वाला सेंटेंस जो एरर में आ रहा है तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा हमारे इस सेंटेंस को फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा मान लो हमारा जो ए पॉइंट होगा उसको कहा जाएगा शी आस्ट मी बी पॉइंट बना दिया जाएगा इफ़ दे वुड गो एंड थर्ड बना दिया जाएगा द मूवी दैट नाइट एंड फोर क्या बना दिया जाएगा फोर बना दिया जाएगा नो no एरर और फिर क्वेश्चन हमसे कहेगा कि आप इन चारों में से फाइंड कीजिए कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यदि आप बी को टिक करते हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी गलत हो जाएगा क्योंकि ना तो आपका फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है ना ही सेकंड एंड ना ही थर्ड आपका जो सही है वो क्या है नो एरर बिकॉज इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं हाँ बट यदि यहाँ पर वुड की जगह विल लगा होता है ना? यदि वुड की जगह विल होता तो हमारा सेंटेंस बी पॉइंट का क्या हो जाता एरर हो जाता सो so, एरर के बारे में जो कंपटीशन में एरर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे एंड जब हम एरर रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो ऑलरेडी हम आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लानीशन दे देंगे सो so, इस तरह से हम विल के पास्ट फॉर्म के रूप में मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब वुड दैट वुड का प्रयोग यूज टू के अर्थ में पास्ट टाइम की हैबिट बताने के लिए किया जाता है मतलब पास्ट टाइम में पिछले समय में मेरी जो भी हैबिट्स थी यदि मैं उन्हें बता और जो कि मैं यूजुअली यूज़ करती थी है ना ऐसा नहीं है कि मैं खाना मतलब मैंने कुछ भी किया नहीं बबा जो हैबिट मेरी पिछले टाइम की पास्ट टाइम की रेगुलर हैबिट रही होगी जो मेरे डेली यूज में आती थी उस हैबिट को बताने के लिए मैं यूज्ड टू के प्लेस पे मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करना चाहूंगी इस बहुत कम लोगों को इस पॉइंट के बारे में पता होगा कि हम यूज्ड टू की जगह वुड का यूज भी कर सकते हैं यदि हमारा सेंटेंस पास्ट टाइम के बारे में हमें बताता है तो यदि आपको ये पॉइंट नहीं था पता सो प्लीज़ नोट कर लें इस पॉइंट को एंड यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड गाइज इस सेंटेंस का एग्जांपल होगा हमारा When I was a child, I would go to have a bath in pond or river. मतलब सेंटेंस पास टाइम की बात बता रहे हैं कब की वो अभी प्रेजेंट टाइम की तो कह नहीं रहा वो कह रहा है When I was a child, जब बच्चा था, I would go to have a bath in pond or river. तो मैं नदियों में, नदी में या फिर तालाब में नहाने जाता था, है ना? तो इस तरीके से, से सेंटेंस यदि मेरी पास टाइम की कोई रेगुलर हैबिट को शो करता है और यदि उसमें यूज टू का यूज़ है तो मैं यूज टू की जगह वुड और वुड की जगह यूज टू का यूज़ कर सकती हूँ हाँ बट यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टाइम की कोई रेगुलर हैबिट शो कर रहा है और यदि आपने वुड यूज़ कर दिया तो आपका सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग थर्ड वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटरोगेटिव फॉर्म में किया जाता है मतलब जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट क्वेश्चन question वाले क्वेश्चनिंग सेंस में होती है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं लाइक एग्जाम्पल वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर फाइव डेज प्लीज मतलब इसमें देखिए प्लीज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है क्वेश्चन मार्क ने बताया हमारी रिक्वेस्ट इंटैरोगेटिव सेंस में है और फिर हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमें लगा हाँ यार ये तो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलाइट पोलाइट का मीनिंग होता है विनम्रता से किसी से प्यार से कोई रिक्वेस्ट करना क्योंकि यदि हम किसी से गुस्से में या फिर जल्दी में कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे पाँच दिन की छुट्टी दे दीजिए प्लीज़ तो क्या कोई हमारी रिक्वेस्ट मानेगा कहेगा भैया तुझे पाँच दिन की क्या मैं एक दिन की छुट्टी नहीं दूंगा है ना तो दैट्स बेटर पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी है यदि हमें और वो क्वेश्चनिंग सेंस में है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे नेक्स्ट पॉइंट फॉर अनरियल सिचुएशंस मतलब यदि हमारे सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन सो की जा रही है और हमारे अनरियल सिचुएशंस uh, uh, को दर्शाने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का यूज़ किया जाता है आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस जैसा कि यदि आप लोगों ने क्लॉज के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं वो डबल पार्ट में डिवाइडेड होते हैं तो उसी प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस कैसा है कंडीशनल है और उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है अनरियल है मतलब वास्तविक नहीं है रियल वाली नहीं है अनरियल सिचुएशन है और वो कंडीशनल भी है मतलब वो कोई कंडीशन रखते हुए कुछ काम कह रहा है तो उस सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लाज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे यदि आपको अभी प्रिंसिपल क्लाज का मतलब नहीं पता तो आप इस सेंटेंस में ऑलरेडी देख सकते हैं सेंटेंस है If she had reached here on time, she would have made her sister. इसका क्या मतलब हुआ देखिए ये जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है कॉमा इंसर्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है यदि वह टाइम पर यहाँ पहुँच जाती तो हम तो वह अपनी बहन से मिल सकती थी बता तो रहा है ना कंडीशनल प्रिंसिपल क्लॉज वाले सेंटेंस में किया गया है, है. इसलिए हमने इस सेंटेंस में वुड का यूज किया है क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है जरूरी तो नहीं है कि वो वहां टाइम पर पहुंच ही गई है ना हो सकता है पहुंच गई होगी टाइम पे हम तो घर बैठे बैठे सिचुएशन का लगा रहे हैं माइंड में हाँ पहुंच जाती तो मिल सकती थी मतलब एक एन रियल सिचुएशन है यहाँ पर तो अनरियल रियल सिचुएशन को यदि कोई सेंटेंस दर्शाता है और वो कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ फिफ्थ सेज चॉइस विश और लाइकिंग को व्यक्त करने के लिए मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग किया जाता है आप हमारी क्या चॉइस है हम किस चीज़ की विश करना चाहते हैं हमारी लाइक like क्या है तो इन चीज़ों को यदि कोई सेंटेंस शो कर रहा है कोई सेंटेंस मेरी चॉइस शो कर रहा है मेरी विश शो कर रहा है मेरी लाइकिंग शो कर रहा है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्जांपल होगा हमारा आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साम मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय पीना पसंद करूंगी, है ना तो अपनी लाइक like, अपनी चॉइस और अपनी इच्छा को शो कर रहा है यदि सेंटेंस तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज ईजीली कर सकते हैं जैसे आई वुड लाइक टू गो टू बाथ है ना मुझे मतलब समझ गए होंगे ऑलरेडी आप लोग इस सेंटेंस का मीनिंग सो so, इस तरह यदि किसी सेंटेंस में हमें अपनी चॉइस या फिर विश शो करनी है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज ईजिली कर सकते हैं नेक्स्ट सिक्स पॉसिबिलिटी लेकिन पॉसिबिलिटी शो तो करेगा तो हम वुड का यूज़ कर देंगे लेकिन हमारी पॉसिबिलिटी के लिए भी कंडीशन है कि हमारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए अनरियल यदि हमारी पॉसिबिलिटी अनरियल है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ ईजिली कर सकते हैं है ना यदि हमारी पॉसिबिलिटी कैसी है यदि हमारी पॉसिबिलिटी अनरियल है तो हम उसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज़ ईजिली कर सकते हैं लाइक एन एग्जाम्पल है आप शी वुड बी वेटिंग फॉर मी यहाँ जी सॉरी मिस्टेक है यहाँ शी वुड बी वेटिंग फॉर मी वह मेरे लिए वेट कर रही होगी है ना तो ये सिचुएशन मतलब पॉसिबिलिटी तो बता रहा है कि हाँ वो वेट कर रही होगी बट ये रियल है क्या हो सकता है भैया मैंने उसे कहा था कि तुम आ, मतलब क्लास के बाद रुकना और मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठी हूँ मैं नहीं जा पाई तो पॉसिबल रियलिटी है क्या ये कि वो अभी भी मेरा वेट एक घंटा हो गया और वो वहाँ रुकी होगी हो सकता है कि वो कहीं चली गई हो रियल तो है नहीं पॉसिबिलिटी तो यदि हमारी पॉसिबिलिटी कैसी है अनरियल है तो हम इसमें मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंटेंस शी वुड बी वेटिंग फॉर मी तो इस तरह हमने देखा कि मॉडल वर्ब वुड का यूज किसी सेंटेंस में हम किस तरह करते हैं आइए बढ़ते हैं अगले मॉडल वर्ब जो कि है यूज ऑफ मस्ट सो मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है बट जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स को शो कर रही है यहाँ पर जो आप ऑलरेडी देख पाएंगे जिससे फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन से इज दैट इसका यूज़ कंपलशन ड्यूटी ऑब्लिगेशन नेटी सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सॉरी यहाँ प्सिबिलिटी है यहाँ पॉसीबिलिटी है गाइज यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर यहाँ पर है पॉसिबिलिटी ओके गाइज सो प्लीज़ इसे सुधार लीजिएगा दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक दिस इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक है सो पॉसिबिलिटी ओके गाइज ओके पॉसीबिलिटी ओके सो देर इज़ अ मिस्टेक हे मॉडल वर्ब मस्ट का यूज हम कंपल्शन के लिए अब कई लोग तो यही कंफ्यूज हो रहे होंगे कंपलशन क्या होता है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब वर्ड्स की मीनिंग के लिए माइंड में रखते होंगे कि हाँ वर्ड की मीनिंग याद रखना ज़रूरी है है ना सो so, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ जो वर्ड आपके सामने है कंपल्शन कंपल्शन का मतलब होता है कि कोई काम जो होना ही है मतलब जरूरी है एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कंपल्शन के लिए कि मान लो कोई बच्चा है उसने ट्वेल्थ का पेपर दिया अब उसने ट्वेल्थ का पेपर दिया है तो उसका पास होना ज़रूरी ही है ऐसा नहीं कि पास होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना तो नहीं होगा बहुत अमीर है नहीं एक बच्चा है जो बहुत लो बहुत लो फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पेरेंट्स ने उसे जैसे तैसे करके पढ़ाया है और अब वो ट्वेल्थ में आ गया है और बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता तो अब उसके पेरेंट्स कहेंगे भैया हमने इतनी मेहनत की है तुम्हें तो पास होना ही पड़ेगा सो ये मीनिंग होती है कंपल्शन की जब कोई बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो हम उस सेंटेंस में कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे मस्ट मतलब यदि हमारे सेंटेंस कंपल्शन से रिलेटेड है किसी बात की बहुत ज़्यादा बताते हैं कि नहीं ये होनी ही चाहिए ज़रूरी है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करेंगे नेक्स्ट फॉर ड्यूटी यदि हमारे सेंटेंस में किसी चीज़ की ड्यूटी शो हो रही है तो हमें मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट अप्लीकेशन है यहाँ पर फिर एन एसीटी किसी चीज़ की आवश्यकता होना यदि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हम उस पर मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करेंगे सर्टेनिटी निश्चितता है यदि कोई काम निश्चित है कि ऐसा होना है मतलब होना ही है तो मॉडल व मस्ट का यूज होगा हमारी यदि पॉसिबिलिटी स्ट्रोंग है कैसी है यदि हमारी पॉसिबिलिटी कैसी है यदि हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करेंगे ओके okay? कि मतलब बादल हद से ज़्यादा घर मतलब किसी बच्चे ने फुल एग्ज़ाम दिए हैं सारे और हर दिन आके बताया मॉम मेरे तो बहुत अच्छे परसेंटेज तो उस बच्चे की जो पॉसिबिलिटी है स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं बब्बा मुझे तो उसमें टॉप करना ही चाहिए और मैं कर ही लूँगा है ना क्योंकि उसको पूरा भरोसा है भैया मैंने बहुत ही अच्छा पेपर किया है सो so, मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होना जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है कोई रिश्ता आया है सो so, उस रिश्ते में क्या है uh, मतलब लड़की कुछ नहीं करती है लेकिन लड़का गवर्नमेंट जॉब में है भले उसका फेस कैसा भी हो कैसा भी देखता हो डोंट थिंक अबाउट क्योंकि आज के ज़माने में तो इसकी बहुत वैल्यू है तो लड़के का जो घर वाला है वो क्या कहते हैं भैया अपना लड़का तो जॉब वाला है यहाँ तो शादी होनी पक्की ही है मतलब जो संभावना वो बता रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कह रहा है अरे हाँ गारंटी है यहाँ तो हो ही जाएगा तो इस तरीके से यदि हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ कर सकते हैं गाइज ये जो मैंने समझाया है प्लीज़ कोई अपनी तरफ से मत लेना ये सिर्फ मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए समझाया है यदि मेरी वीडियोस में आपको कोई कमी दिखती हो या फिर आपको लगता हो कि मुझे कुछ और एडिट करना चाहिए सो प्लीज़ अपनी एडवाइस दें बिकॉज आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है सो so, इस सेंटेंस का एग्जाम्पल है यू मस्ट बी ऑनेस्ट टुअर्ड्स योर फैमिली तुम्हें अपनी फैमिली के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं यू मस्ट बी ऑनेस्ट टुअर्ड्स योर फ्रेंड्स तुम्हें अपने फ्रेंड्स के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए अब फैमिली के प्रति ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि फैमिली में फाइव मेंबर्स हैं दो के प्रति हम बहुत ज़्यादा क्या है ऑनेस्ट हैं और दो के लिए यार इतना तो चलता है थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं पापा ये नहीं होना चाहिए जो हमारी ऑनेस्टी है वो पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए एक सी होनी चाहिए मतलब ये हमें क्या है सर्टेनिटी बता रहे हैं कि निश्चित ही है या फिर नेसेसिटी आवश्यकता है हमें इसकी कि हमें भैया हमारी पूरी फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि किसी एक के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रहे तो उनका दिल टूट जाएगा तो यदि हमारा सेंटेंस कंपलशन ड्यूटी ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी सर्टैनिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट फॉर ऑर्डर यदि हमारा सेंटेंस किसी चीज़ का ऑर्डर देता है मतलब यदि हमारे सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है कि उसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल मस्ट गो एंड अरेस्ट द मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल मतलब मान लो हमारी हमारी जो सिटी है वहाँ पर कोई क्रिमिनल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हर किसी को बहुत कहीं चोरी करता है कहीं किसी को पीटता है कहीं किसी को भी डायरेक्टली मतलब खून कर देता है है ना तो वो बहुत ज़्यादा वॉन्टिड वान, हो गया जैसे विकास दुवे लास्ट टाइम विकास दुबे के बारे में बात थी कि मोस्ट वांटेड एज अ क्रिमिनल उसे रख दिया गया था क्योंकि उसने पुलिस वालों को जान से मारा था है ना तो जो यूपी पुलिस थी उसने क्या कहा था यूपी पुलिस ने बिल्कुल ऑर्डर दे रखा था ऊपर से ऑर्डर आया था यूपी पुलिस के लिए कि आपको तो इस मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल को पकड़ना ही चाहिए क्योंकि ये नाक पर दम करके रखा है तो यदि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है लेकिन नॉट ओनली ऑर्डर ऑर्डर कैसा ऑर्डर ऐसा कि वो बहुत जरूरी ऑर्डर है आपको करना ही है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करेंगे नोट मस्ट इज यूज फॉर कंपलसन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज ऑट टू सो ऑट टू का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है ऑट टू का हिंदी मीनिंग भी होता है चाहिए ओके सो ऑट टू का यूज करने के लिए हमारा सबसे पहला इस, मतलब टॉपिक है इट इज यूज फॉर मॉरल obligation. इसका मतलब क्या होता है ना इसका मतलब होता है नैतिक कर्तव्य ओके okay? एंड ड्यूटी को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब ऑट टू का यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य और हमारी जो ड्यूटी है यदि इसके बारे में हमारा सेंटेंस कहता है तो हम उसमें मॉडल वर्ब ऑट टू का यूज़ करेंगे जैसे वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए है ना और में मतलब क्या होता है आज्ञा पालन करना और टू मतलब होता है चाहिए तो हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए ये तो हमारा हमारी ड्यूटी ही है ना है ना कर्तव्य मतलब हमें ऐसा करना ही चाहिए तो हमने मॉडल वर्फ ऑट टू का यूज़ किया है इसके अलावा जैसे हमारा फ्लैग है इंडियन फ्लैग है यदि कोई इंसान इंडियन फ्लैग के सामने खड़ा है नेशनल एंथम हो रहा है सारे लोग नेशनल एंथम के लिए स्टैंड है बट कोई इंसान ऐसा है जो नेशनल एंथम के समय भी चल रहा है वहां पर तो क्या होगा उसको तो कहा जाएगा भाई तुम क्यों चल रहे थे नेशनल एंथम के टाइम नेशनल एंथम के टाइम पे तो हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और ड्यूटी क्या होती है नेशनल एंथम के टाइम पे 52 सेकंड्स सेकेंड्स का होते हैं सो तो हमें डायरेक्टली सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए सिंपल सा है तो हमारी जो नैतिक कर्तव्य हैं और जो हमारी ड्यूटी हैं उन्हें यदि हमारा सेंटेंस शो करता है तो हम मॉडल वर्ब ऑट्यू का यूज़ करेंगे ऑल राइट गाइज ओके जैसे एक सेंटेंस uh, ये भी हो जाएगा वी ऑर्ट टू फॉलो द रूल्स है ना? मतलब जो रूल्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं जो ट्रैफिक रूल्स हैं है ना? तो हमारे जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं या फिर अदर रूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आए हैं हमें उन सारे रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्यों भाई ये हमारी ड्यूटी है हमारे नैतिक कर्तव्य हैं हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए वी हैव टू तो गिव गि तो रिस्पेक्ट फॉर आवर इंडियन फ्लैग है ना ऐसे बहुत सारे हमारे नैतिक कर्तव्य हैं तो यदि हमारा सेंटेंस नैतिक कर्तव्य और हमारी ड्यूटी के बारे में होता है तो हम मॉडल वर्ड टू का यूज़ करते हैं इसी तरह सेकेंड है एडवाइस के लिए ऑट टू का यूज़ किया जाता है अब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं यदि तो एडवाइस देने के लिए भी हम मॉडल वब ऑट टू का यूज़ इजीली कर सकते हैं एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल है यू ऑट टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद योर कस्टमर्स मतलब तुम्हें अपने कस्टमर के साथ डीलिंग करते वक्त ऑनेस्ट होना चाहिए मतलब तुम कोई बिजनेस कर रहे हो बिजनेस चलो मान लो तुम कोई शॉपकीपर हो है ना अब तुम्हारे कस्टमर आते रहते हैं दिन भर दिन भर तुम कोई सामान किसी रेट में देते हो कोई सामान किसी रेट में देते हो तो क्या होता है तुम्हें ऑनेस्ट रहना चाहिए उस चीज के लिए है ना तो सामने वाला कोई आके कहता है भाई ये क्या तुमने उसे यही सामान इतने में दिया और दूसरे को ये सामान इतने में दिया भाई तुम एक शॉपकीपर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए है ना तो उसने एक एडवाइस दी है तो जब भी किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है उसकी ड्यूटी से रिलेटेड तो हम मॉडल वर्ब ऑट ऑडिटू का यूज़ करते हैं इसीलिए जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या बन जाएगा यू ऑट टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद योर कस्टमर्स थर्ड पॉइंट से पॉसिबिलिटी बताने के लिए यदि हमारा सेंटेंस पॉसिबिलिटी बताता है तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम यू ऑट टू का यूज़ करते हैं ये पॉसिबिलिटी जो है बहुत सारी मॉडल वर्ब्स में आता है इसलिए कंफ्यूज ना हो सबको यूज़ करने के कुछ टॉपिक्स होते हैं तो यदि हमारा सेंटेंस पॉसिबिलिटी बताता है तो हम उसमें भी मॉडल व वर्ड टू का यूज़ कर सकते हैं हमारा एग्जांपल है हर हेल्थ और टू बी बेटर सून उसकी हेल्थ जल्दी ही ठीक होनी चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना भाई उसकी हालत तो जल्दी ठीक हो ही जानी चाहिए भाई मुझे बड़ा काम रहता है उससे है ना तो ये जो पॉसिबिलिटी बता रहा है तो इस पॉसिबिलिटी को शो करते समय हम मॉडल वर्ब ऑट टू का यूज़ करते हैं तो ये था यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब ऑट टू अब हम लास्ट मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बाय शुड हमारी लास्ट मॉडल वर्ब है यहाँ आज के वीडियो में शुड सुट का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है सुट का हिंदी मीनिंग भी होता है चाहिए तो आप देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है बेसिकली बहुत टाइम जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम शुड का ही यूज़ करते हैं राइट सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट फॉर एडवाइस और सजेशन यदि हमारे सेंटेंस में किसी चीज़ की एडवाइस दी जाती है या फिर सजेशन दी जाती है तो हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर योर हेयर इज टू लॉन्ग, यू गेट केयर हेयर कट क्या है सेंटेंस योर हेयर इज़ टू लॉन्ग यू गेट अ हेयर कट तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत लंबे हो गए हैं इसलिए तुम्हें उन्हें हेयर कट करा कटा लेना चाहिए तो ये एक एडवाइस भी है और एक सजेशन भी है अपने फ्रेंड के तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हो गए हैं तुमसे कंघी करते नहीं बनेंगे भाई तुम तो कटा लो अपने बाल है ना तो ये एक एडवाइस हुई सो so, एडवाइस और सजेशन के लिए भी हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं सेकेंड सिचुएशंस लाइकली इन द प्रेजेंट यदि हमारी प्रेजेंट टाइम में कोई सिचुएशन आती है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं जैसे मॉडल वर्ब सिचुएशन क्या हो सकती है मॉडल वर्ब सिचुएशन हो सकती है लाइक मान शी शुड बी एट होम नाउ गिव हर अ कॉल क्या है सेंटेंस मान शी शुड बी एट होम गिव हर अ कॉल मतलब नाव से पता चला कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है मतलब दो दोस्त बैठे थे अब उससे फ़ोन करना था मानसी को सो एक ने कहा भाई अब तो मानसी घर पे रात का समय होगा तो रात में कहाँ जाएगी है ना तो भाई इस समय तो वो घर पे ही होगी उसे कॉल कर लो है ना सो so मानसी एट होम नाउ गिव अ कॉल ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को शो कर रहा है कि भाई सिचुएशन ही ऐसी है कि वो घर पे ही होगी क्योंकि क्यों होगी क्योंकि रात है भैया रात में तो सब घर पे ही रहते हैं कोई कितना भी महान काम कर ले है ना तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं लास्ट पॉइंट फॉर यूजिंग मॉडल वर्ब शुड लाइकली इन द फ्यूचर यदि कोई सेंटेंस हमें लगता है कि वो फ्यूचर के लिए शो कर रहा है फ्यूचर की कोई बात शो कर रहा है एज अ प्रडिक्शन प्रडिक्शन मतलब मतलब समझ लो कोई भविष्यवाणी टाइप कर रहा है है ना कि जैसे सेंटेंस uh, है हमारा प्रॉफिट शुड इंक्रीज नेक्स्ट ईयर मतलब हम हमने कोई बिजनेस किया था उसमें जो प्रॉफिट हो रहा था वह अभी हमें कम हो रहा था है ना लेकिन एकदम से क्या हुआ मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैंने कहा भाई हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो तो अगले साल तक बढ़ना ही चाहिए है ना तो ये जो शुड है इस सेंटेंस में हमारे प्रॉफिट की इंक्रीज के लिए बताया गया है तो एक प्रडिक्शन की गई है पहले से अपनी बात को सजा कर रख लिया गया है कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो भी सकता है तो फ्यूचर टाइम के लिए जब हम पहले से किसी बात को डिसाइड कर देते हैं वो होता है हमारा प्रडिक्शन तो यदि हमारा सेंटेंस फ्यूचर टाइम की प्रोडिक्शन शो करता है मतलब भविष्यवाणी टाइप बताता है तो हम उसमें मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं जैसे तुम पेपर में पास तुम्हें पेपर में पास हो जाना चाहिए मुझे लगता है तुम पेपर में पास हो जाओगे है ना तो यू शुड पास इन योर नेक्स्ट एग्जाम तो मतलब हमने पहले से फ्यूचर के लिए अपनी जो मतलब हमारी थिंकिंग है वो हमने बना रखी है भाई तुम तो पास हो ही जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, इस तरह गाइज़ हमने देखा कि किस तरह हम इन फोर मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो गाइज़ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल एग्जाम अंडर सेवेंटी फाइव So, guys, click the bell icon and subscribe my YouTube channel for current updates. Thank you.